मेरे नाल आज एक ऐसी हस्ती मौजूद ने जिन्हें तो बगैर कबड्डी के मैदान च तुसी किसी चीज की कमी महसूस करोगे। एक ऐसी आवाज जरा कबड्डी वेखदा भी है खेडदा नहीं है वो भी इस आवाज नू पहचानदा है। हाफज मुहम्मद अमजद साहब मेरे नाल मौजूद ने, इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर ने। बंदे का शौक हों कुछ भी होर बनते लेकिन बन जाता बंदा होर। लो ए जे लाला बैदुल्ला सोना अथरा सहन समुद्री का, ये नाँ के वजदे ढोल यारो बब्बर शेर पलवान समुद्री का, मत्थे चन्न पंजाब दे ए यारो बन गया है मान समुद्री का, देर तक ये मंग दुआ पट्टी जींदा रहे सुल्तान समुद्री का, सुल्तान ऑफ समुद्री लाला अबैदुल्ला कंबो। हूँ तक किनिया के चंडा मरवा चुके हो? अद्धा घंटा पहले किसी प्लेयर नू पहचाने ही नहीं जाता, कोई बंदा जानता ही नहीं सी। वर्ल्ड कप दे उस दूसरे हाफ तो पहले कोई बंदा नहीं जानता कि बिन्यामिन मलक भी कोई ऐसा किरदार वाला प्लेयर है, लेकिन त्रीआ मिनटां च कुदरत ने जो शान उन्हूं दिता शायद इस तो पहले कबड्डी की तारीख च शायद घट रकम होया होगा। बड़े बड़े जवानों के तुसीं शेर के मकबूल भी होए, यह जरा तुहाडे खब्बे पासे जवान इहदे बारे की शेर कहोगे? अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो भैनों ते भराओ, जरा थोड़े जे नेरे नेरे आओ। वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, ए अल्फाज सुनने तो बाद तुहानू पता लग गया होना है। हाफज मुहम्मद अमजद साहब मेरे नाल मौजूद ने, इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर ने। इन्हां नाल कुछ गल्लां करांगे और कई लोगों नूं ए नहीं पता रहिंदे किथे ने, अज असीं इन्हां दे पिंड आ गए आ, सारियां गल्लां इन्हां नाल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुल्ला जी, शुक्र है मालिक दा। हाफज साहब, सब तो पहले ना तुसीं उही जोशो वलवले ना थोड़ा जिहा जरा गरमाई दियो ना इन्हां नूं नाज़रीन नूं। हिक डा के कई तूफान डके, कई जिंद ते भाजड़ां झालियां ने, असां शाह दे पग्गां दी लाज रखी, असां जुर्रत नाल बोलियां पालियां ने। सो मैं सब तो ज़्यादा ते तुहाडा शुक्रिया अदा करना, तुहाडी पूरी टीम दा, इस चैनल दा, कि जिन्हां ने इन्ना लम्मा सफ़र किया, तुसीं लाहौर तो आए स्पैशल अज साडा इंटरव्यू करन वास्ते, ते तुहाडी पूरी टीम दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत जिहड़ी होई है इस कबड्डी दी कमेंट्री तों, चूंकि मेरा शौक तो नहीं सी कबड्डी का, बंदे का शौक होंगे कुछ भी होर बनते लेकिन बन जाता बंदा होर। सब तो एक्सीडेंटली आए हो इस फील्ड जी? बिल्कुल, मैं पहले कबड्डी नू चलो वेंदा सा बचपन, फिर असी जवानी थोड़ा बहुत खेले पिंड लैवल ते, बस एक शहर लैवल ते थोड़ा खेले, उस तो बाद फिर एक मेरे उस्ताद सन पहलवान असगर अली रहमानी, वो कमेंट्री करते हैं उस्ताद रियाज चीमा साहब, मैं उन्होंने वेख्या तो मेरा दिल च शौक पैदा होया कि यार काश मैं भी एक गलबात कराँ। सो मैं मैचा जान लग गया, फिर जिमें जिमें मैं मौका लग गया फिर मैं गल करता रहा, फिर उस तो बाद के जिमें तन मन धन वो ला दिता, सारा अपना वक्त भी दे दिता, सारा बच्चों का वक्त भी सारा कबड्डी में देता, तो फिर वो एक अल्लाह ताला ने मुकाम दिता, अज इस मुकाम ते आ तुहाड़ियां सब भरावां दीआं दुआवां नाल। अच्छा, चढ़दे ते लैंदे पंजाब दोवें पंजाब चूंगे इक ही ने असल च, ते इन्हां दे रहण वाले जिहड़े बछिंदे ने लोग ने तुहाडे नाल बहुत मुहब्बत करदे ने, ते लोकां नूं दस्सो तुसीं रहिंदे कित्थे हो, पिंड दा नां की है? सब तो पहले तो मैं ये गल अज कैमरे के सामने कहांगा कि मैनू तोहफे बड़े मिले ने। सब तो पहला तोहफा कि मैं पंजाबी हाँ, पंजाब रहने वाला, पंजाब के एक पिंड च पैदा होने वाला, पिंड च कच्चे कोठे च पैदा होने वाला, और कच्चे कोठे के नाल नाल मैं गरीब घराने के पैदा होने वाला, एक मेहनती वालदैन का मैं पुत्र हाँ। सो मैनू इस बारे शायद उम्मीद नहीं कि मैं इस मुकाम पर पहुँचागा, तो मापिया दी दुआवां ने कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा। मेरे पिंड का नाम कोट शाह मुहम्मद है, किला दीदार सिंह तो जो अलीपुर रोड में जाइए, एक शैल पंप तो एक रोड निकलता है किला दीदार सिंह तो अलीपुर रोड, एक पुराना एक तारीखी रोड है, उसके एक पिंड कोट शाह मुहम्मद होंगे, कोट शाह मुहम्मद मेरे पिंड का नाँ है। चूँकि मैं जो आम तौर पर किसी भी रिकॉर्डिंग जाना तो उसे किला दीदार सिंह का नाँ ही लिया जाता, लेकिन मेरे पिंड का नाँ कोट शाह मुहम्मद है। तो एशिया कप 2014 और तुसी एक बड़े जोशो जज्बे नाल, वैसे तो हर वक्त ही है जोश बरकरार रहिंदा तुहाडा, वो जरा शेर तुसी लाला बैदुल्ला दी एंट्री ते बोलिया सी, वो जरा नाज़रीन नूं सुना दिओ। लो ऐ जे लाला बैदुल्ला सोना अथरा सहन समुंदरी दा, इहदे नां दे वजदे ढोल यारो बब्बर शेर पलवान समुंदरी दा, मत्थे चन्न पंजाब दे ए यारो बन गया है मान समुंदरी दा, देर तक ये मंग दुआ पट्टी जींदा रहे सुल्तान समुंदरी दा, सुल्तान ऑफ समुंदरी लाला अबैदुल्ला कंबो अगली कबड्डी ते जा रहा है। वाह जी वाह, क्या कहने। ते मैं दस्या जे हफ जी, हुण तक किन्नियां के चंडा मरवा चुके हो? मैं भाईजाने भी गल तुहानूं दस दिया कि जिहड़ी सर्कल स्टाइल कबड्डी हुंदी है, कबड्डी दियां किन्नियां किस्मां ने,
सर्कल स्ट्राइक कबड्डी जी हूँ दायरे वाली जी असी पाकिस्तान और चढ़दा पंजाब इंडिया ये जदों भी मुकाबला हुंदा सर्कल स्टाइल दायरे वाली कबड्डी हुंदी है जिदे विच लियाकत कंदील साहब ने लिखा कि 75 फुट का दायरा वा के खेड पंजाबियां कढ़ी दो बुतियां विचकारे 20 फुट थां निकलण लई छड्डी 22 गभरूआ दो टीमां दे तां चलदी है गड्डी विच इहदे ना मूँह मलाजा ना चलदी है वड्डी धावी जापी रगड़ा खा के झंडे आउंदे गड्डी दर्शक पब्बां पार्क लोक के चुक चुक वेखण अड्डी ये पंजाबी खेडां दे विच है रीढ़ दी हड्डी ये कंदील पंजाब का खाड़ा है इनू कहन कबड्डी सो इहदा नां सर्कल स्टाइल कबड्डी है और दूसरे पासे जिहड़ी इहदे नाल कबड्डी है जिहड़ी चंडां लई कही जांदी है साडा कल्चर है पंजाब का वसेब है साढ़े पिंड दे नाल एक अरदो ड्योड़ी पिंड है जिते 4 अस्सू नूं बड़ा वड्डा मेला लगना सी वी सारे जाणा साढ़े वड्डे वी अबाओ अजदाद साढ़े बुअरी मेरे नाल जांदे रहे मैं उन्हां दे नाल जांदा रहा चाचा जी जांदे रहे साढ़े सारे ही जांदे रहे फिर असी 4 हाड़ नूं साढ़े बिल्कुल मगरब साइड ते एक पिंड थेड़ी गिल्लां उत्थे 9 हाड़ नूं साढ़े कोल इक ढपई है मतलब दरगाही वाला पिंडां दे विच बड़े सोहणे कबड्डी दे मैच हुंदे सन चंडां वाले सो मैं एक गल दस दियां कि सर्कल स्टाइल कबड्डी हो रही चंडा वाली कबड्डी हो रही चंडा वाली कबड्डी मेलों से खेली जाती है कुछ मखसूस पिंडां दे विच इहदा अपना इहनू वेख्या जांदा है सो ज़्यादा सर्कल स्टाइल कबड्डी वेखी जाती है। अच्छा मैंने दस्या जी कि यह तमाचेदार कबड्डी यह थोड़ा जिहा गैर इखलाकी जिहा नहीं बिहेवियर लगता क्योंकि अगर कोई बाहर का बंदा वेखे हो कहेगा यार की कर रहे ने बिल्कुल ठीक है लेकिन जोर आजमाई है तुसी रैसलिंग वेंदे हो पै जिहड़ी कबड्डी है फ्री स्टाइल इहदा ना सर्कल स्टाइल जिहड़ी हुंदी है ना वो एक सर्कल दे विच रह के खेलना तुसी फ्री स्टाइल है वे इहदे विच तुसी चंड मारोगे तो वह तुहानू लगेगा कि तुसी अपना जिहड़ी बॉक्सिंग कर रहे हो तुसी मुक्का भी मार सकते हो तुसी उहदे विच कोई भी खेल उहदे विच एथलीट भी है उहदे विच हर गेम है सो फ्री स्टाइल का ही मतलब है कि उहदे विच कुछ भी हो सकता है जिहड़ियां चपेड़ां ने ना ये पुराने जमाने कदीम जमानियां दे विच इह वेखी जांदी सी कबड्डी साडे वड्डे खेडदे ने इह पिंडां दे विच हुंदी है सी सर्कल स्टाइल कबड्डी नूं हुण उरूज मिलिया जदों के चढ़दे पंजाब ने जदों वर्ल्ड कप करवाए उस तो बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी की एशिया कप किए शारजा कप करवाया सो मैं समझना कि जी ये तुसी समझते हो कि माड़ी गल है चंडा वाली नहीं जोर आजमाई है नहीं नहीं मैं नहीं समझता लोग समझते हैं मैं तो बड़े मजे लैके वेख रहा हूं वा लोग भी बड़ा समझते हैं लोग भी बड़ा मजा लेंगे कि जट्टू ने बड़ा मारिया बिजली बड़ा तो सारे ये प्लेयर जो ना जी रहमान बिजली है नवे लड़के जो बड़े बड़े अच्छा खेल पेश तुहाडे प्लेयर केरे फेवरेट ने पुराने या हुण आले वेखो जी सर्कल स्टाइल कबड्डी है ये बहुत लैजेंड प्लेयर सदीक बट जिदा इखलाक और किरदार बहुत अच्छा उन्होंने नाल नाल मुशर्रफ जवेद जंजवा सज्जाद गुजर इरफान माना जट अख्तर खान पठान इम्तियाज आलम काशिफ रियाज कासू कसाई इश्तियाक वाला ये ऐसे प्लेयर ने लेकिन इन्हों तो पहले एक लैजेंड प्लेयर ने जिन्हों का बहुत वड्डा नाम है मैं समझना पाकिस्तान जिड्डा वड्डा उड्डा ही उन्होंने नाम है मुहम्मद रियाज मियाना अगर उन्होंने नाम है ना ना ही लवाँगा तो कबड्डी नाल मैं इंसाफी हो जाएगी ना इंसाफी है रियाज मियाना साहब उन्होंने वक्तों यूसुफ ढिल्लू साहब बहुत वड्डा नाम है अजीम नागरा एक बड़ा वड्डा नाँ है नज़ीर शारिक सादकाबाद हो बड़ा वड्डा नाँ सो अजकल दे दौर दे विच जिहड़े कबड्डी प्लेयर ने वेखो हज़ारां दी तादाद विच प्लेयर खेडे जांदे ने बिलाल मोहसन ढिल्लू बहुत अच्छा प्लेयर है मुजम्मल बूटा बड़ा अच्छा प्लेयर है सो मैं समझना कि साढ़े तमाम बहुत ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे बिनियामिन भुल ही गए जी बिनियामिन मलक वेखो तो मैं ये गल जरूर करांगा कि अद्धा घंटा पहले किसी प्लेयर नूं पहचानिया ही नहीं जाता कोई बंदा जानता ही नहीं सी वर्ल्ड कप दे उस दूसरे हाफ तो पहले कोई बंदा नहीं जानता कि बिनियामिन मलक भी कोई ऐसा किरदार वाला प्लेयर है लेकिन 30 मिनटां च कुदरत ने जो शान उन्हूं दिता शायद इस तो पहले कबड्डी की तारीख शायद घट रकम होया होगा सो बिनियामिन मलक जिहड़ा गुड लक उन्हूं बहुत अच्छा टाइम मिलिया और बहुत अच्छा वो खेल पेश किया उस वक्त ते जदों पाकिस्तान की पूरी कौम मायूस हो चुकी सी पाकिस्तान की सारी आवाम परेशान सी असी तकरीबन खुद असी कमेंटेटर जिहड़े सां वो डिस्टर्ब सां कि यार की बनेगा उस वक्त ते सानू एक मसीहा एक ऐसा लैजेंड प्लेयर ऐसी खूबसूरत कबड्डी उन्हें खेली कि मलक बिनियामिन जी तुहाडे असी एहसान नहीं ला सकते कि मेरे अल्फाज जिहड़े ने मेरे अल्फाज मेरे एहसास की तर्जमानी नहीं कर सकते कि जो मैं लफज बोलना चाहना मलक बिनियामिन वास्ते सो दे नाल नाल शफीक चिश्ती जिन्होंने उहदा भरपूर साथ दिता इरफान माना जट उन्होंने बड़ा उस वक्त ते जिहड़ा आखिरी जिहड़ा जप्पा है स्टॉप लाइन दे विच नफीस गुजर दा जप्पा
वह नहीं भुलता। असी 2020 वर्ल्ड कप न फतह किया, सानू अल्लाह तला ने वर्ल्ड चैंपियन बनाया। सो बिनियामिन मलिक और तमाम सारी टीम बड़ी बड़ी मुबारक। हाँ जी, कबड्डी के मैचों के कोई लड़ाइया झगड़े दंगे फसाद भी हो जाते हैं जी? ये तो कोई लागतबाजी हो फिर किसी भी खेल हो जाता है, असी वेखी दा क्रिकेट के मैचों या जिहड़े भी मैचों के। लेकिन अजकल आवाम के शऊर है, लोग मैं सब तो ज़्यादा तुम दसा कि लोग चाहते ने तफरी, तफरी मुक गई है, हर बंदा इंटरनेट के हत्थे चढ़ गया। सो मैं समझना लड़न का भी किसी कोई खास टाइम नहीं है, लड़ाई करन का भी टाइम नहीं है। लोग नहीं लड़ते, लोग नहीं इन्ने जोगे, लोग चाहते ही नहीं। लोग चाहते हैं कि यार किसी तरीके, मैं ये गल पहले भी कबड्डी करना कि शायकी ने कबड्डी और तमाशाई कबड्डी, ये दो किस्म के दो डिफरेंस लोग होंगे ने। तमाशाई जोड़े होंगे ना, उन्होंने सैकल का मदारी, कोई बांदर की मदारी वेख ली, उन्हें कबड्डी वेख लैनी, उन्होंने उन्होंने मज़ा आ जाना, तमाशाई होंगे ने। शायकी ने कबड्डी होंगे ने जो सुबह तो शाम तक मैच का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि कोई ये वाधा घाटा ना हो और मैच में वेखिए। वाह वाह क्या कहने। तो लाइफ के जिन्हें भी तुम मैच देखे कोई वाधा घाटा नहीं होया? कोई वाकया वाक्य होंगे ने, मैं विहाड़ी गया तो उत्थे आवाम लड़ पई, तो डिप्टी कमिश्नर स्टेज पर सन, तो उन्होंने फटाफट मेरे तो माइक फड़ के, मैं समझा कि और की कहेंगे, उन्होंने फड़ के क्या नहीं यार ये गर्मी का माहौल है, कबड्डी इस इसे का ही ना है, थोड़ी जी गर्मी होनी चाहिए है। मैं समझा कि उन्होंने हौसला वधाया, नहीं तो लोग कहते हैं कि यार लड़ाई हो रही बंद करा दी है। लेकिन वाधा घाटा हो जाता है क्योंकि जज्बाती खेल है, ये तुम चंडा मार रही ने, तुम धक्के मार रहे ने, क्योंकि मार देना, क्योंकि तुम वेखना कि जवाना ने जवाना जिमें पहाड़ टकराने वाली गल है, इन्होंने आपस में कहना होंगे ये कि मुकाबला कि उत्थे कोई खलोता दिते कोई, इन्होंने सामने सीने का जोर लाना है, अपने पावर वहानी है। सो ये वाधा घाटा हो जाता है। बड़े बड़े जवानों के तुम शेर के मकबूल भी होए, यह जरा तो खब्बे पासे जवान ये बारे की शेर कहोगे? ये बारे भी कहोंगे कि रत रोड़ नहीं पैंदी है विच खाड़े, कौडी खेडनी कार आसान कित्थे, इज्जत जिल्लत ते मेहर ते करम ओदा तौबा, अपनी जान ते माण कित्थे, इन्नी जान तुहाडी लगदी ते नहीं लेकिन मेहनत करिए ते तां फिर, जिवें लिखिया ना कि मेहनत करिए तां बणदा है, सौखा कित्थे ना बणदा है। सो तुसीं लाहौर तो इन्ना सफ़र करके आए हो कि 100 किलोमीटर तो ज़्यादा, ये मेहनत का ही काम है, ये इंसान अपनी मेहनत नूं करदा रहिंदा ते कुदरत उहनूं रंग लांदी रहिंदी है। बहुत शुक्रिया, बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल मिलके जी। ते प्यारे वेखण वालिओ सज्जनों ते बेलियो, तुसी हाफिज़ जी दीआं बहुत मिठियां मिठियां गल्लां सुनियां, असी बड़ी कोशिश कीती नवां कि इस चैनल नूं तुसी सबसक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अच्छे कमेंट करने ने, बैड कमेंट भी कर सकते हो लेकिन इन्ने नहीं, तुहाडी मेहरबानी, असी तुहाडे नाल हाँ। सो इस तों अगे जो इन्हां ने कहना मैं कहना, इस तों अगे एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू के नाल तुहानूं फिर असी मिलांगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।